हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये सुबह का थोड़ा सा वीडियो है और बाद में लंच वगैरह भी बनाया है प्रांतिका स्कूल के लिए। तो यहाँ ना पुणे में मतलब पूरी रात हो गई है बारिश को, मतलब कंटिन्यू है बारिश और अभी भी कंटिन्यू है पूरी रात से, डे से, और लगभग एक दो दिन से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बीच में थोड़ा सा मतलब स्टॉप हो गई थी एक दो दिन के लिए, लेकिन क्या है अब फिर से कंटिन्यू बारिश है। तो बहुत 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 बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मतलब बारिश अच्छी लगती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि पूरा दिन पूरी रात बारिश ही बारिश पड़ती रहे, जो स्कूल भी बंद हो जाए। लास्ट मंथ में कंटिन्यू बारिश हुई थी, तो दो तीन दिन के लिए स्कूल भी बंद हो गए थे और फिर ऑनलाइन क्लास हुई थी। तो इसलिए बारिश है, अच्छी लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश है कि बहुत 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 ही ज़्यादा है। तो खैर, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। तो चलिए फिर अभी करते हैं अपना लंच की तैयारी और प्रांकी को करते हैं स्कूल कंटिन्यू। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है जिसको हीट करना है, और उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड्स, और थोड़ी सी इसमें हींग डालना है। हींग क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं हींग का यूज़ करती हूँ। उसके बाद ऑनियन डालना है। ऑनियन को इस तरीके से कट करना है जैसे कढ़ाई में है, क्योंकि जो हम बनाने जा रहे हैं वो है रोल है, जो कि पनीर के रोल हैं, इसलिए इस तरीके से कट करेंगे। टमाटोस और ऑनियन को तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, टेस्ट मतलब अच्छा लगता है उसमें जब फोल्ड करेंगे हम लोग, रैप करेंगे तो अच्छा लगता है। और इसमें टमाटोज को भी मैंने इसी तरफ से कट किया। आप और वेजीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर बच्चा खा ले तो, जैसे कैप्सिकम है या फिर कैरेट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, लेकिन बहुत बारीक से कट कीजिएगा क्योंकि फिर थोड़ा टाइम ले लेती है पकने में इसलिए। और फिर इसमें थोड़े से मसाले, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे को थोड़ा नहीं खा पाते इसलिए मैंने रेड चिली और इसमें फिर धनिया पाउडर ऐड किया है। और लास्ट में इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पनीर का मसाला, जिससे कि टेस्ट और भी यम्मी यम्मी हो जाए। और मैं इसमें इसके बाद थोड़ा सा पकने देंगे इसको, जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर के मैंने बहुत बारीक बारीक से ही पीस किए थे, बहुत ज़्यादा बड़े शेप में नहीं कट किए थे, बारीक बारीक से ही शेप कट किए थे। तो अभी इसमें हम जो पनीर है उसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि नमक और मिर्च जो मसाले हैं वो पनीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में, और बच्चों को वैसे पनीर वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं और प्रांकी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं पनीर वाली चीज़ें, क्योंकि प्रांकी को पनीर किसी भी चीज़ में दोनों वो एकदम से यम यम करके खा जाती है। और इसमें लास्ट में टमाटो केचप ऐड करना है और अच्छे से इसको चला देना है। आप चाहें तो टमाटो केचप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पराठे के अंदर आप ये जो वेजीज है उसको, पनीर है जो रखोगे मतलब फोल्ड करने से पहले भी डाल सकते हो या फिर एक साथ ही मिक्स कर सकते हो, ये अपने ऊपर बात है। या हमें अगर और कुछ इसमें ऐड करना है जैसे ग्रीन चिली सॉस होती है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तीखा हो जाता है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया था। तो ये नॉर्मल पराठा है, सिर्फ आटे में सॉल्ट ही ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको पराठे बना के रख लिए थे। अभी आप इस टाइम भी इसमें केचप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने केचप पहले ही ऐड कर दिया था। और बस इसको फोल्ड करना है और फिर टिफिन में पैक करना है, और साथ में कोई भी फ्रूट मैं प्रांकी को देती हूँ हमेशा, मतलब डेली ही लेके जाती है कुछ ना कुछ, वैसे एप्पल ज़्यादा लेके जाती है, मतलब मैं ही ज़्यादा एप्पल देती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा पेट भर जाता है इसीलिए। तो ये दूसरा पराठा रैप करें और फिर इसके बाद ये आपको टिफिन में पैक कर देना है। और ये रेसिपी बहुत यम्मी लगनी थी, प्रांकी को भी बहुत पसंद आई थी, मैंने उसको खिला के भी देखा था। उसके बाद
बंद करना है, फोल्ड करना है। और आप भी एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चों को पसंद आया नहीं, क्योंकि बच्चों को ना रोल करके पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ दाल बनाने, दाल और राइस। राइस तब बाद में बनाऊंगी, लेकिन दाल बना के रख रही हूँ क्योंकि आज प्रांकी की फरमाइश है कि आज दाल राइस खाने हैं, क्योंकि काफी दिन से मैंने बनाए नहीं है, क्योंकि जुखाम खांसी बुखार ये सब हो रहा था, तो इसलिए नहीं बनाए थे, क्योंकि और ज्यादा फिर जुखाम वगैरह और ज्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं बनाए थे। थोड़ा सा सुबह को उठने में ना, मतलब उठ तो एकदम जाते हैं प्रांकी, पूरा दिन स्कूल में निकालना होता है, तो इसलिए आज थोड़ा थोड़ा बोल रही थी कि आज मैं नहीं जाऊँ मम्मी, आज स्कूल मन कर, नहीं बेटा स्कूल तो जाना ही है ना, फिर सैटरडे आ रहा है, सैटरडे संडे ये सब है, तो फिर छुट्टी आ रही है, तो इसलिए आज चली जाऊँ। हाँ तो खैर अच्छा ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आज क्या है कि एक दिन पहले से ही सब कुछ इसलिए रेडी करके रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे का मन ना हो जाता है, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना पड़ता है ना, तो सुबह सुबह में उठने का मन नहीं करता, हमारा भी नहीं करता है कि हम एकदम से उठ जाए, अलार्म लगा के भी सोते हैं तो 2-3 मिनट के बाद ही उठते हैं कि अभी और 1-2 मिनट सो जाए, तो वो तो छोटी छोटी बच्ची है तो हो जाता है थोड़ा सा, और इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा पहले थोड़ा जल्दी उठा देती थी, लेकिन थोड़ा कम टाइम बढ़ा दिया उसका कि बाद में उठाऊँ, तो थोड़ी सा बच्चा कभी कभी करने लगता है, लेकिन हाँ उठने के बाद एकदम से फ्रेश हो जाती है, ठीक हो जाती है, थोड़ा सा मिल्क वगैरह पिलाओ उसे, तो फिर मेरी यहीं पे खड़ी रहती है, इसलिए एक दिन पहले उसके लंच के लिए टिफिन के लिए मतलब सोच के सोना पड़ता है कि आज कल ये लेके जाना पड़ता है, लेकिन मतलब कहते ना पटाखे रखना पड़ता है उस तरीके से, तो आज मैंने इसीलिए उसको पनीर रोल दिया था, क्योंकि पनीर उसकी फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है उसको पनीर की सब्जी, पनीर आप उसको किसी भी चीज में दोगे ना बहुत अच्छे से खाती है, और फिर शाम को फिर उसको पनीर की सब्जी बनाऊंगी, इसीलिए बोला भी रही थी, लेकिन अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर राइस ज्यादा अच्छे नहीं लगते, पनीर से रोटी ही अच्छी लगती है, इसीलिए। आप कहाँ जा रहे हो? बैंक। कहाँ जा रहे हो? बैंक। कभी ऑफिस जाते हो, कभी बैंक जाते हो, और पीते हो बॉटल से मिल्क। आपने अपनी स्कूटी तैयार कर ली? हाँ। अच्छा स्कूटी मतलब जो स्कूटर है उसके लिए उसको बोलता है स्कूटी, और उसके ना हैंडल में दोनों तरफ की लगाता है और तब जाता है ये बैंक, कभी बैंक बोलता है कभी ऑफिस बोलता है, और बेचारा कितना काम करता है नन्नी सी जान। आप अपनी स्कूटी दिखाओगे मुझे? ये आपकी स्कूटी है? हाँ। वाओ ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये चूट है? हाँ। ये चूट के गिर गई थी आपकी? हाँ। आप चाबी क्यों बोलते हो? की बोला करो ना। अच्छा मुझे काउंटिंग से खा सुना दोगे प्लीज? 1 से काउंटिंग सुना दो। हाँ। नहीं सुनाओगे प्लीज? प्लीज देखो 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 देखो, बहुत शैतान है ये सच में, बहुत ज्यादा, इतनी प्रांकी नहीं थी जितना कि क्रियांश है, क्रियांश बहुत ज्यादा शैतान है, प्रांकी को समझाओ तो वो समझ भी जाती है, लेकिन ये नहीं बाबा, बहुत ज्यादा झगड़ालू किस्म का है लड़का ये, बहुत ही। अच्छा इससे पता है हम जैसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पूछते हैं ना तो सब बताता है, और फिर इसे पूछते हैं ना जैसे कि के फॉर, तो के फॉर काइट या किंग या की ये नहीं बोलता है, के फॉर क्यूट छोड़ो ना क्रियांश, के फॉर क्यूट, क्रियांश के फॉर क्या होते हैं? के फॉर बताना क्यूट, और ए फॉर गाजा, ए फॉर क्या होता है? हाँ बुदू, ए फोर ओके फोर, अच्छा के फोर बताना क्यूट। अच्छा लगता है ये इसकी बात है या फिर सभी बच्चों की बात होती है, अगर आप उनसे कुछ पूछोगे ना जैसे ए फोर एप्पल या फिर काउंटिंग के लिए आप बोल दो तो मजा अलग ही बोल दे, नहीं आप बताना ए फोर क्यू, देखो के फोर क्यूट, ए फोर क्यून, अब ए फोर क्यून होता है कोई, बी फोर बॉस, ए फोर कैट एप्पल एप्पल, बी फोर कैट
बी फोर देखो देखो देखो, इसको इतनी मस्ती चल रही है, इसको सब आता है लेकिन ये बता नहीं। अच्छा स्टार्टिंग से बोलते हैं, चलो बोलो। ए फोर जोको, जोको। ए फोर एप्पल, जोको। बी फोर सी फोर देखो देखो, अरे बंदर। अच्छा सी फोर डी फोर देखो, अभी कुछ नहीं बताएगा ये लड़का, कुछ भी नहीं बताएगा, और इसको सब आता है, सब आता है इसको। बंदर को 1 to 10 काउंटिंग आती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब आता है जेड तक, और बस के फॉर क्यूट होता है इसका, अदरवाइज और सब ठीक बोलता है। ये सभी बच्चों की बात रहती है कि और कोई आ जाए घर पे, मान लो इनफेक्ट कोई आ गया तो इनकी बोलती ही नहीं निकलती है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। इसकी तो खैर खास तौर से, वैसे ये पूरे दिन ना शैतानी करता है, बहुत ही ज्यादा करता है। सुबह उठता है तो टॉयस फैला कर डाल देता है, अभी भी पड़े हुए हैं, मैं फिर नहीं रखती उठा के बार बार, कि कौन रखे बाद में। अच्छा एक बात और है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई बच्चा फ्रूट्स नहीं खाता है, तो प्रांकी खाती है इजीली, आसानी से खा लेती है, लेकिन क्या है ना कि क्रियांश थोड़ा सा दिक्कत देता है खाने में। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे खाना खाते हैं ना, मतलब या तो ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच हो या डिनर हो, किसी भी टाइम थोड़ा थोड़ा एप्पल कट करके ना इसको सैलड के जैसे मैं खिला देती हूँ, तो ये आसानी से खा लेता है, बहुत अच्छे से खा लेता है। लेकिन क्या है, वैसे नहीं खाता है, अगर हम इसको बिना खाने के, बिना लंच के देंगे ना तो नहीं खाता है। क्या सभी लोग ऐसे, सभी बच्चे ऐसे करते हैं? क्योंकि प्रांकी नहीं करती है, प्रांकी आराम से खा लेती है। जैसे मैं इसको एक एप्पल कट करके ना टिफिन में देती हूँ तो वो खा लेती है आराम से, और घर पे भी रहती है तो भी खा लेती है, सब फ्रूट खा लेती है, फ्रूट ये भी सारे खा लेता है। लेकिन जैसे होता है ना कि बदल बदल के चाहिए होता है, जैसे रोज एक एप्पल है प्रांकी खा लेती है, बहुत आसानी से खा लेती है, लेकिन ये भाई साहब नहीं खाते हैं, इनको ना बदल बदल के चाहिए होता है। अगर जैसे आमंड है, ये रोज आमंड नहीं खाता है, अब तो खैर प्रांकी ने भी थोड़े कम कर दिए, लेकिन उसको समझा बुझा के खिला देती है, वो खा लेती है। लेकिन जैसे इसको मैं रोज दूं ना तो ये नहीं खाता है, इसको हर चीज बदल बदल के चाहिए। मतलब जैसे एप्पल है, आप एप्पल को 3-4 दिन कंटिन्यू देंगे ना, एक दो दिन खाएगा फिर छोड़ देगा, फिर उसके बाद दूसरा फ्रूट दो। तो जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि रोज एक एप्पल खाना चाहिए, कहाँ से खिला दो, नहीं खाता है वो, एक दो बार खा लेगा छुट्टी। फिर उसके साथ मैंने यही ट्रिक किया है, ट्रिक अपनाई है अब, कि इसको ना मैं खाना जैसे खाता है, लंच करता है या डिनर करता है, तो मैं उसके साथ सैलड के जैसे इसको खिलाती रहती हूँ, भले ये थोड़ी रोटी कम खा लेता है लेकिन एप्पल उसके साथ खा लेता है। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रिक अपनाई है, आप लोग कैसे खिलाते हैं मुझे भी कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है कि आपकी ट्रिक और ज्यादा अच्छी हो या इंटरेस्टिंग हो। मैंने तो यही है, मुझे तो यही लगा कि इसी तरीके से खिला दो तो खा ले, प्रांकी खा लेती है, बहुत से बच्चे नहीं खाते हैं, हो जाता है। और अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप मेरी ट्रिक अपनाइएगा कि उसको खाने के साथ खिला दीजिए, जैसे सब्जी रोटी खाते हैं या फिर दाल रोटी खाते हैं या दाल राइस खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उसके साथ खिला दीजिएगा सैलड के रूप में, तो शायद खा लें आपके बच्चे भी, क्योंकि मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ, वो आसानी से खा भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे नहीं खाता है क्योंकि जैसे मैंने इसको आमंड दिए, 3-4 कंटिन्यू करके दूंगी ना तो नहीं खाएगा, लेकिन बीच बीच में मैं इसको चेंज कर करके देना पड़ता है, फिर की कभी कभी आमंड दे दिया, कभी मखाना दे दिया। ओ चक्कर लग गई, अरे देखो देखो मैं दिखाती हूँ, ये क्रियाश खेल रहा है यहाँ, और क्या लगी, टक्क लगी तुम्हारी? नहीं। और क्या? ये ट्रक मिंगा। ट्रक मिंगा? हाँ। और तुमकी टक्कर किससे लगी थी? गाय। गाय से? हाँ। ओके ठीक है, टक्कर लगा लो तुम अपनी गाड़ी से। तो मुझे कभी जैसे मखाने दे दिए, किशमिश दे दी, या कुछ और भी जो भी है थोड़ा, लेकिन चेंज कर करके देना पड़ता है, तो ये जाके खाते हैं भाई साहब, अदरवाइज नहीं खाता है सच में। प्रांकी तो खा लेती है खैर, लेकिन ये ज्यादा नाटक दिखाता है, ऐसे देख रहा है मुझे, ऐसे देख रहा है, मैं तुमकी बुराई कर रही हूँ? नहीं, मैं सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ, सच्ची मुच्ची। हाँ
नाटक कर रहा है ट्रक। हाँ कोई बात नहीं, गिरने दो, खेल लो आप आसानी से। तो ये थी मेरी ट्रक की बच्चों को किस तरीके से फ्रूट्स खिलाएं। तो मैंने तो यही ट्रिक अपनाई है, आप कौन सी ट्रिक अपनाते हैं आप मुझे भी बताइएगा। और हो सकता है, और अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आती है तो आप उसको अपनाइएगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका तो सही है ना। ठीक है, आप किस तरीके से खिलाते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी शायद अगर कुछ दिन में ये बोर हो जाएगा तो मैं वो दूसरा ट्रिक अपना लूंगी। तो इसलिए मेरा भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। और बाकी की लंच रेसिपीज, जो टिफिन रेसिपीज होती है, मैं आपसे इसीलिए शेयर करती रहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हेडअप होता है। मैं एक दिन पहले ही सोच के सोती हूँ कि मुझे क्या देना है। इनफैक्ट कभी कभी मैं ना 2-3 दिन का सोच लेती हूँ कि उस दिन क्या देना है, उस दिन क्या देना है। इसलिए तो चलिए फिर आप ही करते हैं वीडियो की एंडिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, देखते हैं कब होता है मिलना। जब तक के लिए बाय। और मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय करना। बाय बोला क्या? सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। ये हैंड हटा के बोलो, कैसे बोल रहे हो? सच्ची मुच्ची। भूत बने? ओ ये भूत बना है। देखो अभी बोलना सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची।